A very warm welcome to all of you. I am Neeru. इस वीडियो में हम एक बहुत ही कॉमन कंप्लेन के बारे में बात करेंगे जो अक्सर एक डिवाइन फेमिनिन से या फॉर दैट मैटर किसी भी फीमेल से किसी भी वुमेन से जो एक रिलेशनशिप में है उनसे आती हैं और वो कंप्लेन है कि उनके जो पार्टनर हैं वो अपनी फीलिंग्स के लिए ज़्यादा ओपन अप नहीं होते मेल काउंटर पार्ट्स दे काइंड ऑफ शट देयर हार्ट एंड दे डू नॉट से हाउ दे फील अबाउट यू और हाउ दे फील अबाउट दिस रिलेशनशिप और अगर वो बात भी करते हैं या मिलते भी हैं तो उनकी जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो टॉक्स हैं जो बातें हैं दैट इज अराउंड सेक्शुअल इंटीमेसी या फिर वो आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप सब किन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं क्या करते हैं आप कैसा फील करते हैं दे आर इंटरेस्टेड इन दैट बट व्हेन इट कम्स टू देम जब उनकी बारी आती है तो दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल इन ओपनिंग अप और शेयरिंग थिंग्स विद यू और टेलिंग यू देयर जेन्युइन फीलिंग्स तो इसका क्या रीज़न है और जब ये होता है तो स्पेशली जो फीमेल काउंटर पार्ट्स हैं दे फील रिजेक्टेड दे फील अनवांटेड दे फील इनकम्प्लीट एंड दे डू नॉट फील वेरी इंटीमेट बिकॉज सेक्शुअल इंटीमेसी फॉर अ वुमेन कम्स फ्रॉम व्हेन शी फील्स मोर कनेक्टेड इमोशनली फ्रॉम देयर हार्ट तो इस बात को जानने के लिए हमें सबसे पहले खुद को ही देखना है एज वी ऑलवेज से द मिरर राइट तो हमारा मिरर क्या बताता है जो लोग इस टाइम हीलिंग प्रोसेस में भी हैं स्पिरिचुअल जर्नी पर भी हैं अपने साथ कनेक्टेड हैं अपने को पहचान रहे हैं क्लीन कर रहे हैं हील कर रहे हैं अपने जो है जो इनर चाइल्ड है उसकी ट्रॉमास को भी देख रहे हैं और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं यहाँ पर एक दो मिनट रुककर मैं आप लोगों को सबको ये बोलना चाहूँगी कि इस टाइम जो इनर चाइल्ड हीलिंग है वो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है तो आप कहीं भी किसी भी वर्ल्ड में किसी भी तरह कितने भी बिजी जरूर हों लेकिन आपको रुकना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आपका जो इनर बीइंग है जो एक इनर चाइल्ड है वो आपसे क्या कहना चाह रहा है और अगर आप उसको टाइम नहीं देंगे अगर आप उसकी बात को नहीं सुनेंगे तो आपकी जो लाइफ है वो इसी तरह ट्रॉमाटाइज्ड रहेगी और आगे नहीं बढ़ पाएगी आप कितनी भी देर जो है वो मेडिटेशन कर लीजिए कितने भी आप प्रैक्टिसेस कर लीजिए लेकिन अगर आप अपने इनर चाइल्ड ट्रॉमा को एड्रेस नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल होने वाली है तो माय डियर फ्रेंड्स दैट इज व्हाई इट वाज सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू जस्ट यू नो होल्ड ऑन अ सेक एंड टेल यू ऑल कि कनेक्ट टू योर इनर चाइल्ड बाय लिसनिंग टू दैट ओके अब आगे बढ़ते हुए कि इस टाइम आप देख पा रहे होंगे कि आपके बहुत सारे ऐसे इश्यूज भी सामने आ रहे हैं जिनसे आप पहले कनेक्टेड नहीं फील करते थे या आपको ऐसा लगता था कि ये मेरे इश्यूज हैं ही नहीं ये मुझ में है ही नहीं राइट और जब आप हीलिंग से निकल रहे थे तो आपको ऐसा लगा कि वो जो इश्यूज थे वो हील हो चुके हैं कम्प्लीटली लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो किसी भी मात्रा में आपके अंदर बचे हुए हैं किसी भी हर्ट के रूप में अनफॉरगिवनेस के रूप में एंगर के रूप में एग्रेशन के रूप में तो वो इस टाइम सब आपके सामने होंगे आपके प्लेटर पर होंगे एंड नॉट ओनली फ्रॉम दिस लाइफ टाइम बट ऑल ऑफ योर लाइफ टाइम ऑल द एक्सपीरियंसेस ऑल द ओल्ड मेमोरीज आर कमिंग ऑन सरफेस और इसकी वजह यह है कि जैसे जैसे आपकी एनर्जी फील्ड क्लीन हो रही है आप डेप्थ में बहुत ही गहराई के साथ
अपने साथ कनेक्ट कर रहे हैं, और ये गहराई जो है वो इसी जन्म के साथ कनेक्टेड नहीं है, वो आपके सब जन्मों के साथ। तो जो एक वेल होती है हमारे, है ना, एक ये यूनिवर्सल फिनोमिनन है कि जब हम एक नया जीवन लेते हैं तो हम अपनी पास्ट की जो लाइफ्स हैं उनके बारे में, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वहाँ पर मेमोरीज नहीं होती, हम उन वहाँ तक नहीं पहुँच पाते और नहीं जा सकते। लेकिन अब जब आप अपने साथ गहराई में जाकर कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो जो ये इस तरह की मेमोरीज आ रही हैं, क्योंकि जो भी मेमोरी आपके अंदर आ रही हैं वो आपकी ही हैं, तो अगर वो आपको ऐसा लग रहा है कि ये नई हैं और ये मेरी नहीं हैं, तो वो आपकी इसलिए हैं क्योंकि अब आप उनके साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं इजीली, क्योंकि जो वेल्स हैं पास्ट लाइफ्स की वो निकल रही हैं, और आपकी सोल एनर्जी जैसे जैसे एक्सपेंड हो रही है उसकी सारी मेमोरीज जो हैं आपके पास हैं। ओके, और अब माय डियर डिवाइन फेमिनिन्स, अगर आपको किसी भी तरह की जो है इमोशनल या मेंटल ट्रॉमा आपके साथ चल रहा है, तो आप ये जानिए कि ये कभी ना कभी आपके साथ हो चुका है। ओके, तो ये कैसे मिरर कर रहा है और कैसे जस्टिफाई करता है डिवाइन मैस्कुलिन के या मैस्कुलिन के एक्ट से, क्योंकि जो मैस्कुलिन के पास एनर्जीज हैं, हमने पिछले बहुत सारे टाइम जो है वो एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहे हैं, जहां विमेन का बहुत शोषण किया गया है, बहुत उसको सप्रेस किया गया है, बहुत हर्ट किया गया है, तो वो सारी मेमोरीज भी मैस्कुलिन के सामने हैं, और वो उन मेमोरीज के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, उनको फील कर रहे हैं, वो जो कलेक्टिव पेन है वो उससे कनेक्टेड हैं इस टाइम, और वो जो कनेक्शन है उनका जो पुरानी मेमोरीज के साथ, वो उनके अंदर एक शेम और गिल्ट क्रिएट कर रहा है, और ये जो शेम और गिल्ट है उसके साथ वो जब भी आपके सामने आते हैं, अपनी डिवाइन फेमिनिन के सामने आते हैं, तो वो उस ट्रूथ को जो है नहीं झेल पा रहे हैं, वो उससे एनकाउंटर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो जो पावर अब्यूज है उनके अंदर वो उनको परेशान कर रही है। और जैसे ही वो आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, या तो वो फिर से रन करने लगते हैं, या अगर फिजिकल लेवल पर कनेक्ट भी करते हैं तो अपनी फीलिंग्स को छुपाने लगते हैं, बिकॉज दैट बैगेज इज टू हर्टिंग, टू मच लाइक यू नो अ ट्रॉमा ऑन देम, इट्स वेरी ट्रॉमाटाइज्ड, बहुत हैवी बैगेज है। जितनी आसानी से आप चीजों को समझ रहे हो सकता है उनको इस बात की क्लैरिटी भी नहीं हो कि क्या हो रहा है उनके साथ, एंड what they are feeling is this heaviness, this shame, and then this guilt, and for them it is for unknown reason. और इसीलिए जब वो आपसे बात करते हैं जिसके लिए आप परेशान होते हैं, sexual intimacy, they want to just connect with you outwardly. For sure they want to connect with you, but they don't want to connect with you from their heart, because that is very painful for them to open their heart, and here they are trying to protect their heart. और इसी वजह से अगर अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कॉन्टैक्ट में नहीं है या कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है किसी तरह का, या मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, दे आर स्ट्रगलिंग। वो इसलिए नहीं आपसे कांटेक्ट कर पा रहे हैं क्योंकि वो बहुत पेन में है। ये जो कलेक्टिव एनर्जी का बैगेज इस टाइम जो खुला हुआ है, दैट इज रियली रियली पेनफुल फॉर देम टू हैंडल, एंड दे डोंट नो हाउ टू हैंडल। तो इसमें
कई लोग अगर ये सोच रहे हैं, क्योंकि मुझे कुछ इस तरह के भी मैसेज मिले कि क्या हमारी कोई गलती है, क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं, क्या हम अपना इनर वर्क ठीक नहीं कर रहे हैं. नो, यू आर नॉट एट फॉल्ट माय डियर डिवाइन फ्रेंड्स. आप एक सोल दो बॉडीज हैं, और आपका जो अनकंडीशनल लव है, दैट इज वर्क, यू नो, दैट विल हील देम इमेंसली. सो प्लीज डू नॉट शेक योर फेथ. क्योंकि क्या है कि जैसे ही वो आपके साथ आते हैं, आपके सामने आते हैं, दे फील दैट दे आर नॉट गुड इनफ फॉर देयर डिवाइन काउंटर पार्ट. दे थिंक यू आर सो प्योर एंड दे आर इम्प्योर समवेयर. दे आर नॉट, दे कैन नॉट डू जस्टिस टू यू. वॉट एवर हैज हैपन्ड इन द पास्ट, दे आर यू नो फीलिंग एट फॉल्ट. They are blaming themselves. They are struggling in their mind. तो जो पावर अब्यूज का बैगेज उनके लिए बहुत मुश्किल बना हुआ है इस टाइम, और जैसे ही वो आपके बारे में सोचते हैं या आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, वो गिल्ट और शेम जो है वो और ज्यादा बढ़ने लगता है. देन यू हैव टू गिव देम टाइम. और यही वजह है कई बार कि ये एक जो और कंप्लेन होती है इसके साथ, दैट दे आर हैविंग मल्टीपल रिलेशनशिप्स, और दे आर गोइंग, यू नो, दे आर जस्ट ट्राइंग टू फील समवेयर, यू नो, फिट इन. क्योंकि जब भी वो किसी कार्मिक के पास होते हैं, ये जो गिल्ट और शेम का ट्रॉमा है, ये उनके सामने उतना नहीं होता, कम होता है, क्योंकि वहां पर उनके लिए वो मिरर नहीं होता जैसे आप उनके लिए मिरर हैं. जो आपकी प्योरिटी उनको दिखाती है, वो कार्मिक की इम्प्योरिटीज में जेल हो जाते हैं. वहां उनके लिए इतना ट्रॉमेटिक सिचुएशन नहीं होती है. इस और एक और वजह यहां पर कि कई बार ये भी यू नो सुनने में आता है कि दे आर इन सम काइंड ऑफ एडिक्शन, राइट? और वो एडिक्शन भी, व्हाट इज एडिक्शन, इस बारे में हम पहले भी बहुत बात कर चुके हैं. तो अगर आपको एडिक्शन ऐसा लग रहा है कि सिर्फ यू नो स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इज एन एडिक्शन, तो इस एडिक्शन में भी वो इसीलिए बार बार जा रहे हैं अपने आप को छुपाने के लिए, अपने आप को देखने ना, ताकि वो खुद को देख ना पाए, खुद को महसूस ना कर पाए. और इस ये जो रीजन है, ये सिर्फ किसी पर्टिकुलर यू नो कैटेगरी के लिए नहीं है कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है सिर्फ उन्हीं के लिए है, या सिर्फ मेल के लिए है, या सिर्फ फीमेल के लिए. एनीबडी हु इज इन एडिक्शन, एडिक्शन इज यू नो काइंड ऑफ अ कर्टन जिसके पीछे हम छुपना चाहते हैं, हम गुम हो जाना चाहते हैं, हम सच्चाई को फेस नहीं करना चाहते, हम उसके साथ कनेक्ट नहीं होना चाहते. तो आपको इस टाइम जो भी चीजें दिख रही हैं, उनको डीपर अंडरस्टैंडिंग के साथ, एक यू नो हायर पर्सपेक्टिव के साथ देखने की जरूरत है, ताकि बिटरनेस की बजाय, यू नो अगर आप अपना फेथ लूज करेंगे, अगर आप बिटर होंगे, अगर आप हर्ट होंगे, तो उससे जो एनर्जीज हैं वो हील नहीं हो पाएंगी, क्लेंस नहीं हो पाएंगी, सेटल नहीं हो पाएंगी. तो जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपका जो ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड है, आपका जो अनकंडीशनल लव है, उनको एक सही दिशा और टाइम देगा हील होने के लिए. अगर अभी भी कहीं आप उनका बैड बिहेवियर देख रहे हैं, वो किसी भी चीज में, किसी एडिक्शन में इंडल्ज हैं, किसी कार्मिक रिलेशनशिप में इंडल्ज हैं, या आपकी तरफ कुछ यू नो बैडली बिहेव कर रहे हैं, तो हमारी ये जिम्मेवारी है कि हम उनको एक सोल लेवल पर देखें. इफ वी कैन नॉट सी आर डिवाइन काउंटर पार्ट एट देयर सोल लेवल, देन वी वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड एनीबडी फॉर दैट मैटर. ओके, और जब मैं सेंसिटिव बोल रही हूं, मेरा कहने का मतलब है आप समझते हैं कि किस तरह से
हीलिंग प्रोसेस होता है, किस तरह से स्पिरिचुअल अवीकनिंग होती है. यू आर सेंसिटिव टुवर्ड्स दिस प्रोसेस, यू नो दिस प्रोसेस वेरी वेल. सो गिव देम टाइम, गिव देम सपोर्ट, गिव देम अनकंडीशनल लव टू हील, ग्रो एंड कम आउट ऑफ दिस ट्रॉमा. तो इस टाइम जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो क्या करने की कोशिश कर रही है, अपनी ईगो सेल्फ को देखने की कोशिश कर रही है, उससे निकलने की कोशिश कर रही है, उसको समझने की कोशिश कर रही है और उस कार्मिक लूप से बाहर आने की कोशिश कर रही है. और इसमें आप एक और तरीके से हेल्प कर सकते हैं. माय डियर डिवाइन फेमिनिन्स, द मोर यू विल हील योर मैस्कुलिनिटी, योर मैस्कुलिन एनर्जी, आप देखिए कि आपकी मैस्कुलिन एनर्जी में कहाँ ट्रॉमा है, कहाँ यू नो ईगो ट्रेट्स अभी भी बचे हुए हैं, कहाँ हर्ट है, कहाँ शेम और गिल्ट है. तो आप उस पर्जिंग को समझ पाएंगे, जो पर्जिंग आपकी मैस्कुलिन डिवाइन काउंटर पार्ट में हो रही है. एंड विद दिस, टू कंक्लूड दिस वीडियो, आई वुड लाइक टू instill that faith again and that trust again in this journey of you know a beautiful partnership called divine partnership. Keep moving forward. This is the process of awakening. This is the process of coming in your oneness with your source. Aur aap dono mein se jo bhi इस चीज को अभी अच्छे से समझ पा रहा है वो काफी है दोनों की जर्नी को कंप्लीट करने के लिए. तो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट क्या कर रहे हैं एज फार एज द फिजिकल एक्शन इज कंसर्न, डोंट गो बाय दैट, गो बाय व्हाट यू वांट, हाउ यू वांट टू प्रोसीड फर्दर एंड सी कि वहां पर क्या रेजिस्टेंस है, या वहां पर अभी भी जब आप अपनी यूनियन की बात सोचते हो तो क्या फैंटेसाइज करते हो, क्या अभी भी जो वहां पर फैंटेसीज और डिजायर्स हैं वो 3D कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्टेड हैं, या आप सही में समझ पा रहे हो कि डिवाइन पार्टनरशिप क्या होती है, डिवाइन लव क्या होता है. और जितनी जल्दी क्लैरिटी में आप आएंगे उतनी जल्दी आप वननेस को फील कर पाएंगे. और जब आप ये वननेस अपने अंदर फील करेंगे तो ऑब्वियस है जो फिजिकल रियलिटी है वहां भी ये जो है मैनिफेस्ट होगी. विद ऑल द लव ब्लेसिंग्स एंड जॉय, आई विश यू ऑल वेरी वेरी हैप्पी जर्नी एंड आई विल सी यू in my next video. Bye for now.